अच्छा बच्चों, आज हमारा अगला टॉपिक है मेटैलिक कोटिंग, कि एक मेटल की तह को दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ाना, कोटिंग करना। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो आज हमने जो है ना इसका तरीका पढ़ना है कि मेटल की तह को कैसे जो है ना वो दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो बाकी ये है कि चूँकि ज़्यादातर पे जो आयरन होता है या लोहा होता है उसको जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर मेटल की कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो उसके जो है ना वो दो तरीके हैं ये इसके कोटिंग करने के मेटल के, एक है फिजिकल मेथड और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये इलेक्ट्रोलिटिक जो मेथड है इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। फिजिकल मेथड के अंदर जो है वो कोई इलेक्ट्रोलिसिस का जो अमल है वो नहीं किया जाता, ये जो है वो सिंपल तरीका है। इसके अलावा फिजिकल मेथड के अंदर जिस मेटल की कोटिंग करनी है उसकी बेस पर इसके भी आगे जाना वो दो टाइप्स है। एक है जिंक की कोटिंग करना जिसको आम जबान में गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं, और दूसरा जो है ना वो है टिन कोटिंग। ये जो है वो अलग अलग मेटल की कोटिंग है और इसके हिसाब से उसके जो है वो नाम है। बड़ा सिंपल है जो फिजिकल मेथड है इसके दौरान कोटिंग करना क्या होता है, मसलन हमें जिंक की कोटिंग करनी है। अब जो जिंक है, जिंक की जो सिंबल है वो जेड एन है। ठीक है, तो अगर हमने किसी मेटल के ऊपर या लोहे के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो जंग लगता है वो लोहे को लगता है, पीछे हमने ये टॉपिक यही देखा था कि कोरोजन को हमने पढ़ा था जंग कैसे लगता है और जंग को बचाने के तरीकेकार, कि उसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, उसमें हमने पढ़ा था पेंट करना और ग्रीस और इसका इस्तेमाल। लेकिन जो सही एफिशिएंट या ज़्यादा बेहतर तरीका है वो है उसके ऊपर किसी मेटल की कोटिंग कर देना, यानी कि कोट जिसको कहते हैं, कोट जैसे कि इंसान ने कोट पहना होता है कि उसके ऊपर एक कवरिंग सी आ जाती है जिससे उसका जो अंदर वाली जो चीज़ होती है वो महफूज रहती है। इसी तरह अगर लोहे कोई आदमी को जंग से बचाना है तो उसके ऊपर हमने क्या करनी है, दांत की कोटिंग कर देनी है, उस दांत की जो उसके उसको जंग लगने से बचाएगी। ठीक है, तो अगर हमने जिंक की कोटिंग करनी है तो उसका तरीकेकार क्या है, ये एक आदमी की शीट है। ठीक है, लोहे की जो है शीट आपको करीब नजर आ रही है। सबसे पहले क्या करना है, इसको साफ कर लेना, कपड़े से साफ कर लें। ठीक है, किसी ऐसे जो है मटीरियल से इसको साफ करें, ये अच्छे तरीके से जो है वो साफ हो जाए। ठीक है, इसको साफ कर लिया, साफ करने के बाद इसको जो है वो डिप कर देना है। ये एक बीकर है, इस बीकर में हमारे पास क्या है, जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन ZnCl2। ये जिंक क्लोराइड का जो है वो सोल्यूशन आ गया। ठीक है, यहाँ जिंक क्लोराइड है। इस शीट को मसलन ये लोहे का टुकड़ा है, इसके ऊपर जिंक की तह चढ़ानी है, इसको इसके अंदर जो है वो डिप कर देना। पहले इसको साफ करना है, साफ करने के बाद इसको इसके अंदर डिप कर देना है। डिप करने के बाद इसको जो है ना वो इसमें से जो है वो निकालना है, निकाल के इसको क्या करना है, हीट करना है। ठीक है जी, गर्म करना है। ठीक है, जब हम गर्म करेंगे, गर्म करने के साथ साथ ही इसको इस रोलर में से भी गुजारना है। रोलर मीन्स के ये दो जो है ना वो सर्कल से जैसे गरारियाँ होती हैं। ठीक है, ये जो रोलर है ये इस तरह घूम रहा होगा और ये रोलर जो है वो इस तरह घूम रहा होगा। सारी बात है, ये रोलर अगर ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा, अपोजिट साइड पर घूमेगा। ठीक है, इसमें से इस शीट को जो है वो गुजारना है। क्यों गुजारना है, क्योंकि अब जब हमने इसको शीट को जो है उसके अंदर डिप किया है तो कहीं पे जिंक की तह है वो पतली होगी, कहीं पे जिंक की तह मोटी होगी। ठीक है, तो इसको इक्वल करने के लिए, बिल्कुल बराबर करने के लिए इस रोलर में से शीट को जो है गुजारा जाएगा ताकि उसकी जो ऊपर है जिंक की जो तह है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है ना उसको यहाँ पर हवा के अंदर हमें इसको ठंडा करना है। ठंडा करेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि ये जो मेटल की शीट थी, ठीक है, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है, इसके ऊपर जिंक भी क्या हो गई है, कोटिंग हो गई। ये ब्लैक कलर की जो है वो जिंक की कोटिंग है और अंदर जो है वो आयरन का पीस है और उसके ऊपर क्या हो गया, जिंक की कोटिंग हो गई। अब ये जो आयरन की शीट है, ये जिंक की कोटिंग जो है इसके ऊपर हो गई है, इसलिए ये ज़्यादा अरसे तक जो है वो चल सकेगी। और जिंक की कोटिंग का एक और एडवांटेज भी ये है कि अगर जिंक की कोटिंग कहीं से जो है वो रिमूव हो जाती है या ख़राब हो जाती है या उतर भी जाती है तो भी ये जो आयरन की शीट है ये जंग से महफूज है। ठीक है, ये इसका जो है वो बेनिफिट। ठीक है, तो ये क्या था, जिंक की कोटिंग की हमने जो है ना वो कैसे करें। दूसरा ये है कि अगर हमने जिंक के अलावा करनी हो टिन की कोटिंग, ठीक है, अब यहाँ पर जो वो टिन है, टिन जिसकी जो सिंबल है वो SN है, सेम तरीका का है वही, इसी तरह बिल्कुल लोहे का टुकड़ा या वो शीट जिसके ऊपर टिन की कोटिंग करनी है, उसको साफ कर लेना। अच्छे तरीके साफ कर लिया, साफ करके यहाँ पे हमने क्या करना है, मोल्टन टिन लेना पिघला हुआ,
ठीक है, वो जो धात है जिसकी कोटिंग करनी है उसको पिघला लेना, तभी उसके ऊपर तय चढ़ेगी ना। ठोस आदमी होगी तो तय तो कभी नहीं चढ़ सकेगी, इसलिए जो है ना वो पिघली हुई आदमी है। शीट को उसके अंदर डाला, डिक कर दिया, डिक करने के बाद उसको निकाला, सेम वही रोलर में से गुजारा और उसको जो है वो ड्राई कर दिया, तो वो जो आयरन शीट है उसके ऊपर आप टिन की तय जो है वो चढ़ चुकी होगी। ठीक है, सेम बड़ा सिंपल तरीका। ये तो था फिजिकल मेथड जिसके अंदर हमने कोटिंग की है मेटल की आयरन की शीट के ऊपर। दूसरा जो ज़्यादा इससे भी अच्छा तरीका है और बेहतर है वो है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसके अंदर इलेक्ट्रोफेटिंग की जाती है, जिसको इलेक्ट्रोफेटिंग कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का जो मैकेनिज्म होता है या प्रोसेस होता है जो हमने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए कोई रिएक्शन करवाया जाए उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब यहाँ पर बिजली के जरिए ये सारा काम किया जाएगा। इसकी भी दो टाइप्स आ गई हैं, अगर सिल्वर की इलेक्ट्रोफेटिंग की जा रही है तो इलेक्ट्रोफेटिंग ऑफ सिल्वर है, और दूसरा इलेक्ट्रोफेटिंग ऑफ जिंक। आगे भी आएगी क्रोमियम की होगी उसकी होगी, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अंदर आज हमें दो पढ़नी है, दो जो है हम कल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफेटिंग ऑफ सिल्वर ए जी, इसके अंदर क्या किया जाता है इलेक्ट्रोफेटिंग जो है वो सिल्वर की करने के लिए, इसमें आप पता कि पहले हमने थोड़ा सा जो है ना वो इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए एक धात की तह को दूसरी धात के ऊपर चढ़ाना या उसको डिपॉजिट करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए इसका जो तरीकेकार है प्रोसीजर है जो इलेक्ट्रोलिसिस करने का, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या कि एक चैम्बर जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर हमने सिल्वर की मेटल को चढ़ाना है किसी दूसरी मेटल पे, तो ये जो सॉल्यूशन है ये हमें लेना पड़ेगा सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला है AgNO3, यानी कि ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड जो है वो लगे हुए होंगे, एक इलेक्ट्रोड जो है ना वो काम करेगा एनोड के तौर पे, दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो काम करेगा कैथोड। इसको बाहर जब हमने जोड़ लेना बैटरी के साथ, बैटरी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स या वो जरिया जिससे हम उस केमिकल रिएक्शन को बिजली दे सकेंगे। ठीक है, अब बताइए जो बैटरी शैटरी हम इस्तेमाल करते हैं, जो अब बाइक है या गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जो उसकी लाइट वगैरह ऑन होती है तो वो कोई तार तो नहीं उसकी जो आप बिजली के साथ लगी हुई, तो अंदर जो बैटरी है उसी से उसके अंदर ऐसे करंट बनता है। ठीक है, और वो आगे जो है ना लाइट वगैरह ऑन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो वो जो कोई भी बैटरी होगी उसके दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इसको दोनों टर्मिनल को जो है वो तारों के साथ जाओ, एक इलेक्ट्रोड के साथ एक दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देना। अगर हमें सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो हमें ये जो इलेक्ट्रोड है ये सिल्वर में लेना पड़ेगा चांदी की। ठीक है, और दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ उस चीज को या उस ऑब्जेक्ट को जोड़ देना है जिसके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग करनी है। फर्ज किया यहाँ पे स्पून है, स्पून टू बी प्लेटेड, यानी एक चम्मच है जिसके ऊपर सिल्वर की या चांदी की क्या करनी है, तय चढ़ाना। ठीक है, ये सारा करने के बाद हमें क्या करना है, इसको सर्कल को मुकम्मल करना है। ठीक है, सर्कल को जैसे ही मुकम्मल करेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होगा, यानी कि आधे रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन होगी, आधे रिएक्शन पे रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन कैसे होगी, अब चूंकि ये सिल्वर है, सिल्वर जो मेटल होती है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का रुझान होता है, यानी मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका तो एनोड के ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। इस सिल्वर से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस वायर के जरिए बैटरी के अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो वायर से होते हुए जो बैटरी की तरफ पीछे, जो अगर सिल्वर है तो सिल्वर के जो पॉजिटिव आयन होंगे वो किस में जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ आने सॉल्यूशन की तरफ, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बैटरी से होते हुए कैथोड की तरफ, जो मर्करी के आयन है सिल्वर के जो आयन है वो सॉल्यूशन से होते हुए उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे जिसको हमने कैथोड बनाया होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, और ये जो सिल्वर की जो मेटल है
ये उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो जाएगी या उस चीज के ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी, यानी कि ऊपर जाओ तय पर आती जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर पे क्या है नेगेटिव चार्ज। क्या थोड़ी वजह से नेगेटिव चार्ज है? ये जो इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर से गए हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हुए नजर आ रहे हैं, इधर से इधर आते हुए नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। जो सिल्वर के आयन है इनके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इधर जाएंगे। तो ऐसा आता ये जो मेटल है सिल्वर की, ये सॉल्यूशन के अंदर जाते जाएंगे इसके आयन, और कैथोड के अंदर जाके इस जो आगे जिसके ऊपर हमने तय बनानी होगी उसके ऊपर आता आता ये डिपॉजिट होते जाएंगे, या इसके ऊपर जाने की तय जाओ बनती जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एनोड के ऊपर क्या होगी ऑक्सीडेशन, यानी कि सिल्वर है वो इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे, यही जो इलेक्ट्रॉन है ये सिल्वर के जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाके ये जो पॉजिटिव आयन है मेटल के जो सॉल्यूशन के अंदर होंगे उनको जा क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो उससे क्या बनेगी सिल्वर मेटल। किस और सिल्वर मेटल की तय उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। ठीक है जी, तो इस तरह ऐसा ऐसा जो है ना ये सारी जो है ना वो मेटल इसके ऊपर डिपेंड हो जाएगी, इसको ऑब्जेक्ट को जब ये हो जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, निकाल के इसको जो है ना फिर अगले जो तरीके हैं उसको ड्राई करना और इसको जो है वो यूज़ किया जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि ये बर्तन वगैरह है कटलरी स्पून कांटा ये सारे इनके ऊपर जो है सिल्वर की तय चढ़ाई होती है, और इसके अलावा जो है ना जो बाकी है सामान वगैरह ये क्या कहते हैं ना ये टेबल वेयर, यानी कि ऐसे बर्तन जो कि टेबल के ऊपर रखे जाते हैं उन उसके अंदर जो है ना इसको इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी भी जो है वो फैक्ट्री के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है वो सिल्वर की तय चढ़ाई जाती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद लास्ट में एक और है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग ने और सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग ने जो बेसिक टेक्निक है वो सेम, उसी तरह जो है वो हमारे पास एक चैम्बर होगा जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम करेगा, इसके अंदर हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, इसमें हमने लेना है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। लेकिन इससे पहले जो लिखा हुआ है कि पहले जो है ना वो जो यहाँ पे अगर हमने जिंक की प्लेट चलानी है तो हमने क्या करना है उस मेटल को पहले साफ करना है, पहले अलकली से साफ करना है, अलकली मतलब अलकली डिटर्जेंट होते हैं जैसे ये समझ लें कि अब ये जो सफाई वगैरह करने वाले जो होते हैं घरों में टॉयलेट क्लीनर होते हैं ये सारे अलकली डिटर्जेंट ही होते हैं। ठीक है, के ओ एच इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये इसका फार्मूला है, उससे पहले जो है उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, फिर उसके बाद उसको एसिड से साफ करना है, किसको जिस धात के ऊपर जिंक की मेटल चढ़ानी है। ठीक है, उसके बाद इसको जो है ना वो यहाँ पे इलेक्ट्रोड के तौर पर यहाँ पे हमें लगा देना है, और जो एनोड होगा यानी कि ये एनोड ही है। ठीक है, एनोड उस इलेक्ट्रोड को बनाना है जिसकी मेटल की तय चढ़ानी है। अब चूंकि जिंक की तय चढ़ानी है तो ये हमारे पास जिंक की पतरी होगी, यानी वो जिंक मेटल का पूरा रॉड होगा जिसको हमने इसके ऊपर जाकर चढ़ाना है, सबका मुकम्मल होगा। उसी तरह जिंक है आयन लॉस होंगे, यहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी की तरफ जाएंगे, बैटरी से होते हुए कैथोड की तरफ, और जिंक के जो आयन है पॉजिटिव आयन वो सॉल्यूशन के सॉल्यूशन से वो कैथोड की तरफ, और यहाँ पे जाना पूरी पूरी तय है जिंक की वो इस मेटल के ऊपर क्या हो जाएगी डिपॉजिट हो जाएगी यहाँ ऊपर मौजूद आएगी चढ़ जाएगी, और इसको जो अलग कर लेंगे अलग करके उसको इस्तेमाल कर लेंगे। सिर्फ फर्क किसका है कि मेटल का, मेटल कौन सी लेनी है और उसके अंदर जो सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि वो जिसके अंदर जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है, इसका फर्क है, बाकी जो इसका तरीकेकार है वो बिल्कुल सेम। ठीक है बच्चों, तो ये वैसे तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आपके किताब में चार दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये दो चूँकि बोर्ड के ऊपर जगह इशू थी इसलिए मैंने आज दोबारा समझा दिए, दो जगह हम कर लेंगे। इसमें तो क्वेश्चन है तो किसी को बच्चे ने दिया। हाँ शरा कम होती है, यानी कि जिनको जंग बड़ी मुश्किल से लगता है वो कोटिंग उसके ऊपर करनी है जिसको जंग बड़ी देर लगता है वो है आयरन। तो मोस्टली जो है ना ये आयरन और आयरन देखें चीजें ये है कि जो लोहा आता है उसमें मजबूती ज्यादा है। आप कहेंगे कि लोहा इस्तेमाल ना करो आप सिल्वर इस्तेमाल कर लो, लेकिन सिल्वर के अंदर मजबूती नहीं है, लेकिन सिल्वर को जंग नहीं लगता लोहे को जंग लगता है, तो हमने क्या करना है दोनों को कंबाइन कर देना है। ठीक है, नीचे लोहा है वो मजबूती है, लेकिन वो उसकी मजबूती को कायम रखने के लिए कि उसको जंग ना लगे हम उसके ऊपर किसी और धातु की जिसको जंग नहीं लगता उसकी कोटिंग कर दें, तो दोनों काम हो जाएंगे, ड्यूरेबिलिटी भी और लॉन्ग लास्टिंग भी कि वो ज़्यादा अर्से भी चलेगी। ज़्यादातर आप देखते हैं बाइक हो गया, गाड़ी होगी, साइकिल हो गए, उसके जो हैंडल हैं या नीचे जो पुर्जे हैं उनके ऊपर यही होता है, अंदर लोहा होता है, ऊपर जाना किसी मेटल की कोटिंग की होती है ताकि जंग ना लगे और ज़्यादा अर्से तक चले।
ठीक है, सिल्वर के ऊपर कोटिंग नहीं होगी, आयरन के ऊपर ज्यादा जो पीस है वो आयरन ही है, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा उस धागे की कोटिंग की जाएगी जो कि कोरोजन लेस या रस्ट लेस होगी जिसको जंग नहीं लगेगा, ठीक है बच्चा। एनीथिंग एल्स? ठीक है, समझ आई है? यस सर, थैंक यू। बस।